तो ऐसे पार्ट आज हम फिर लेकर आए हैं। वैसे भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट मैं हर हफ्ते में मतलब एक दिन छोड़ करके लगभग दो दिन एक या दो दिन छोड़ कर लगाता रहता हूँ बीच बीच का। अगर इतनी कैलकुलेशन के पार्ट्स हमारे चैनल पर पड़े हैं, अगर सारे आप लगा लेंगे वैसे ना, तो आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में फंसे। सारे टाइप के कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ हर वीडियो में किसी न किसी। तो यहाँ पर भी आज कुछ कैलकुलेशन आया है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इंग्लिश एकदम मिला कर नहीं पढ़ पाते हैं तो इंग्लिश के एकदम बेसिक क्लास में चलाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, जोड़ जोड़ कर शब्दों बताना। और उसके बाद अगर आप फिर मैथ को भी नहीं समझ पाते हैं, मैथ कैसे मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग तमाम चीज़ें भिन्न और अंडर रूट स्क्वायर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दशमलव, तो उसकी भी एकदम बेसिक से मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, मैथ्स बेसिक टू एडवांस और इंग्लिश की है करेक्ट इंग्लिश रीडिंग राइटिंग, उसको देख लेना ठीक है। यहाँ पर चलिए एक एक करके लगाते हैं। जैसे ये सवाल है इसको लगाना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे ही है, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो हम ऊपर एक जीरो लगाएंगे। आपको पता है कि यही काम करना होता है। आप एक दिमाग ये लगाइए, एक दिमाग ये लगाइए, इन दोनों जीरो को आप अगर इस तरीके से लिख, इसको पहले मैं एक बार ऐसे लिख, दशमलव यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, ऊपर मैंने एक जीरो बढ़ाया तो हमारा दशमलव ये हट गया। लेकिन आप इसको दिमाग में ये समझ के चलिए कि आप इसको समझ तो रहे हैं कि ऐसे आप इसको कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो 9898 कट गया, बचा 100। 100 को 100 को आप चाहे 10^2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार 10 हो और 10^2 ये भी कर सकते हैं। या तो आप 98 से ऐसे ही काट लेंगे तब भी यही आएगा 100। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। और इसी तरीके से अगर हम इसका देखते हैं तो 1/2 गुणा ये 0.02, जीरो का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा, लेकिन 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 900 होगा। कितना होगा? 900 होगा। और 1/2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। कैसे? अभी मैं काट दिखाऊंगा। अब यहाँ जीरो में इसको घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करेगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, आपका घटने वाला नहीं है, ठीक है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमारा ये घट जाए, ठीक। तो वैसे आपको पता है कि इसको आप घटाएंगे जीरो में से तो कैरी लेंगे, नहीं आएगा तो आप इसको माइनस में ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसको यार 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 0. देखिए इसको कट जाएगा तो यहाँ पर 0 2 से काट रहे हैं, 0 0 0 0 0 ये और ये 900, ठीक, ये आ गया। और एक बार दिमाग लगे, इसका अगर इसमें पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो एक का पहाड़ा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 पे दशमलव जो है ये अपना काम कर जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 2 0 घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव का गुणा होता है 0 में तो दशमलव जो है हटता जाता है, मतलब इधर भागता जाता है इकाई की तरफ। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको अब लगाना चाहें तो इसको लगाते हैं, तो ये इसमें दशमलव हटाएंगे, इसमें से हटाएंगे तो इसमें से 2 1 2 पे दशमलव, 2 0 इसमें से ख़त्म कर देंगे, इसमें 2 0 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अब इस तरीके से, इसमें से हम 10^1 लिख दिए, 1 1 लिखना नहीं ज़रूरी है, आप इस 10 को पता है कि आप यहाँ पर 10^1 लिखे हैं, तो अगली बार ये 10 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जब चला भी गया तो आप इसको 0 के रूप में ऐड कर, लेकिन ये 10^ नीचे प्लस में था तो माइनस में था तो ऊपर जाएगा तो प्लस में ही जाएगा ना, दिमाग लगाइए, ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, कैसे हुआ बात समझिए, 2 अंक पर दशमलव है, हटाने के लिए 2 0 बढ़ाएंगे, वो मत करिए, आप माइनस में हो तो पावर्स कम कर दीजिए, वही होता है, 2 पावर कम कर दिए, 1 पावर बचा -10^-1, और -1 पावर अगर ऊपर ले गए तो प्लस में हो जाएगी 10 10, आपको यहाँ जो मतलब गुणा कर दिए तो हमारा 960 हो गया। अब इसको हम 8 से काटते हैं तो 8 1 8 और 8 2 16 और 0 1 120 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको काटते हैं, अगर देखते हैं तो इसको देखिए, हम इसको लिख लेते हैं, आप काटते हैं 20 1 20 20 2 40 से पक्का, ठीक, ये 2 से काटते हैं तो 25 कट गया, 2 भी ख़त्म हो गया। अब हमारा यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 2 0 है, दिमाग लगाइए बस, केवल यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 2 0 है, 3 0 से 3 0 में से अगर 2 0 ख़त्म हो गया तो यहाँ पर बचा 10 और ये 2 बचा,
ये दो बचा है, तो अब दिमाग लगाइए ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, केवल 25 बचा है, और यहाँ पर आपका 2 10 2 9 20 बचा है, केवल कितना बचा है 20 बचा है। मैंने कुछ गुणा नहीं किया, आप दिखाएं, इसमें 3 0 है माइनस है, इसमें 2 0 है प्लस में, 2 3 में घट गया बचा, इसमें 1 0 10 वो भी निगेटिव बचा है, निगेटिव बचा है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में इसको कर देता हूँ, कहाँ कर देता हूँ ऊपर। अब ये ऊपर जगह इसको काट लीजिए, 2 1 2 1 2 और 2 2 4 2 5 10 इतना हो गया, 2 से ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये 2 से ख़त्म हो गया, बात समझिए, 20 2 9 40 2 हुआ, 2 50 25 50 नीचे ये ख़त्म, बचा ये 25 बचा है, 25 में अब क्या करेंगे, इसमें 3 0 इसमें 2 0 ख़त्म करें, 1 0 माइनस में, माइनस वाला ऊपर गया प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 250 बन जाएगा, और 250 को हम फिर यही इस 2 से काटते हैं तो हमारा 125 आ जाएगा। इस तरीके से आप काट सकते हैं बहुत आसानी से, मैंने पूरी कोशिश की बहुत ईजी तरीके से काटूं, ठीक है, गर्मी थोड़ा तेज है इसलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ, बाकी आप सपोर्ट करते रहिए, आप कुछ ना कुछ सुविधा करेंगे अपनी गर्मी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, आप सबका सपोर्ट चाहिए, दोस्तों में शेयर करिए और लोगों के पास पहुँचाइए, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम बताते हैं, मैं बेसिक चीज़ें मेरे चैनल पर बहुत पड़ी हुई हैं, कोई भी बेसिक वीडियो नहीं बनाया होगा लेकिन मैं बेसिक बनाया हूँ, और यहाँ पर 12th तक की वीडियो हम आपको मिलेगी, जबकि एग्ज़ाम होता है ना तो हर सब्जेक्ट में भी वीडियो डालते हैं, अभी भी डालते हैं तो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है, तो मैंने जो बताया आप इंग्लिश सीख सकते हैं एकदम बेसिक से, एकदम जोर जोर के शब्दों से, और मैथ भी सीख सकते हैं एकदम बेसिक से, मैथ अगर आपको नहीं आता एकदम बेसिक सीख सकते हैं, मैथ्स बेसिक टू एडवांस 0 to 0 एक क्लास है, उसमें देख लीजिए, स्पोकन इंग्लिश क्लास है, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग करेक्ट है वो भी है, सभी देख लेंगे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, और अगर अच्छा लगा हो तो बाकी आप कर सकते हैं जो भी अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे सेकंड चैनल के आइकन यहाँ पर मिलेगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ जो भी बच्चे लास्ट तक देखें उसको जरूर सपोर्ट करिए, देखते हैं कितने लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ओके,